Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain second part of catalysis process, which is again deleted topic for board examination, but it is useful for MCQ process for good CET exam, NEET or JEE. So, in today's lecture, we will explain the second part of catalysis process, which is known as enzyme catalysis. This process is enzyme catalysis process. Dear students, first of all, we will explain what is enzymes. So, enzymes are protein molecule of our body which has high molecular mass, are compounds. Which type of compounds are there? Just see, they are complex nitrogenous organic compound. And produced by living organisms. They form colloidal solution. In water, which type of solutions are known as colloidal solution? Just see, I will give you an important example. Like milk is a colloidal solution. अगर हम milk को उस solution को देखते हैं, तो हमें milk है, वो homogeneous लगता है. But अगर हम milk को heat करते हैं, उसको boil करते हैं, तो उसमें से fat बाहर निकल आती है. तो मिल्क वो होमोजीनियस नहीं होता, वो हीटरोजीनियस होता है, क्योंकि अंदर जो फैट होता है वो डिजोल्व हुए होते हमें लग रहा है, बट वो हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो देखने की कैपेसिटी है वो 1000 नैनोमीटर के ऊपर के डायमीटर की है. बट जो मिल्क के अंदर फैट के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डायमीटर 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है, इसीलिए हमें वो देखने को नहीं मिलता है. बट मिल्क वो कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है. जो भी बादल छाए रहते हैं आकाश में बारिश के समय में, उस बादल को भी हम कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बोल सकते हैं. इस तरीके का ये एंजाइम कोलोइडल होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन इन वाटर यहाँ पर वो देता है. सो हमारे बॉडी में रहे प्रोटीन मोलिक्यूल्स उसको एंजाइम बोल सकते हैं. उनका मोलिकुलर मास वो हाई रहता है, वो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है. नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से प्रोड्यूस होता है और वो वाटर के साथ कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहा है. ओके, इफ अवर लाइफ प्रोसेस मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन अवर बॉडीज ऑफ आइदर इट इज एनिमल एंड प्लांट्स टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस आर एंजाइम कैटेलाइज्ड. देयरफॉर एंजाइम्स आर नोन एज बायोकेमिकल. They are biochemical catalyst, and this phenomena is known as biochemical catalysis process. Okay, many enzymes have been obtained in pure crystalline state from living cells. They are obtained from living cells. Okay, now I will give you a very important example of enzyme catalyzed reaction. Chemical reaction के मैं आप सबको यहाँ पर example दे रहा हूँ. देखिए, MCQ के base पर ही हम यह topic याद रख रहे हैं यहाँ पर.
inversion of cane sugar. केन शुगर का इन्वर्जन यहां पर क्या हो रहा है, देखिए C12H22O11 प्लस H2O इन्वर्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये हो रहा है. इन्वर्टेस, इन्वर्टेस एंजाइम का सोर्स क्या है, उसका सोर्स है ईस्ट. ईस्ट में से इन्वर्टेस एंजाइम मिलता है और उसका कन्वर्जन होता है यहां पर ग्लूकोज C6H12O6 प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और यहां पर ये रहा सुक्रोज. इसको यहां पर हम बोलते हैं कि इन्वर्जन किस तरीके से ये कहा जाता है. आई थिंक आप सब एक इंपॉर्टेंट बात जानते हैं. कौन सी बात, आपको मैं बताता हूं. आपको डेक्स्ट्रो और लीवो मालूम है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आप सब जानते हैं. हेलो अल्केन वाले चैप्टर में आपने वो इंफॉर्मेशन ली हुई है. तो सुक्रोज का जब इन्वर्जन होता है तब उसका जो सिंबल होता है वो डेक्स्ट्रो से लीवो में कन्वर्ट होता है, इसीलिए उसको सुक्रोज का इन्वर्जन बोलते हैं. सो द चेंज इन द सिंबल दैट इट विल कन्वर्ट इन टू डेक्स्ट्रो टू लीवो, दैट्स वाई इट इज नोन एज इन्वर्जन प्रोसेस. सो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर is important example of enzyme catalysis because invertase enzyme is useful for this process. And how can we gain this invertase enzyme? We will gain this from yeast. Okay, then conversion of glucose to ethanol. यहाँ पर मैं प्रोसेस लिख रहा हूं, देखिए C6H12O6 इसका जो यहां पर जो कैटलिस्ट होता है वो जाइमेस कैटलिस्ट है, वो भी ईस्ट में से ही मिलता है और यहां पर कन्वर्ट होता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तीसरी प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इंटू माल्टोस. स्टार्च की फॉर्मूला, पोटेटो में से हमें स्टार्च मिलता है C6H10O5 और उसके N मोलेक्यूल, क्योंकि स्टार्च वो खुद पॉलीमर मोलेक्यूल है इसीलिए N प्लस H2O. स्टार्च का अगर यहां पर हाइड्रोलिसिस होता है उसका जो एंजाइम का नाम है वो डायस्टेस नेम का एंजाइम यहां पर होता है और यहां पर माल्ट के तौर पर वो बेस यहां पर होता है. सो डायस्टेस जो एंजाइम होता है वो यहां पर जो मिलता है वो माल्ट में से मिलता है, इसीलिए इसमें से यहां पर जो मिलता है उसे माल्टोस बोलते हैं. ठीक है, माल्ट है वो व्हीट में से हमें मिलता है. उसके बाद एंजाइम का नेक्स्ट एग्जांपल हम यहां पर दिखाते हैं, यूरिया NH2CONH2. यूरिया की हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है वो होती है यूरेज एंजाइम के साथ. यूरेज जो एंजाइम होता है वो सोयाबीन में से हमको मिलता है, सोयाबीन में से मिलता है और यहां पर जो यूरेस उसमें से जो मिलता है वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड होता है. क्लियर? तो ये डायस्टेस जो होता है वो माल्ट में से मिलता है. उसके बाद माल्टोज, माल्टोज है वो भी ईस्ट में से मिलता है माल्टेज एंजाइम के साथ और उसमें से माल्टोज में से हमें ग्लूकोज मिल सकता है. ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं. स्टमक में जो पेप्सिन नेम का एंजाइम होता है वो प्रोटीन का कन्वर्जन एमिनो एसिड में करता है. आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं, प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंजाइम.
पेप्सिन जो एंजाइम होता है उसका सोर्स स्टमक में होता है। सो यहाँ पर ये प्रोटीन का कन्वर्जन अमीनो एसिड में हो गया, यूरिया यूरेज एंजाइम के प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में से मिलता है माल्टोज, और यहाँ पर ग्लूकोज में से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन यहाँ पर हो रहा है। जो माल्टोज है, माल्टोज की फॉर्मूला C12H22O11 के N मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये होता है माल्टोज। तो ये हमारे सामने यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस हो गए, वो एग्जाम्पल्स वो एंजाइम के एग्जाम्पल्स थे। ओके, चलिए अभी एंजाइम की मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और यहाँ पर शेयर करता हूँ। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है, जस्ट सी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम क्या क्या है, जस्ट सी। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि जो एंजाइम होते हैं ना वो पर मिनट वन मिलियन मॉलिक्यूल का कन्वर्जन कर सकते हैं। इट इज अ कैपेसिटी 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स पर मिनट। इट विल, दूसरी तरफ से हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एक मिनट में एक मॉलिक्यूल का 1 मिलियन मॉलिक्यूल में कन्वर्जन एंजाइम कर सकता है, बट वो पर मिनट सॉल्यूशन हो जाता है इसका। चलिए, इतनी उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कैपेसिटी होती है। बट ये इंपॉर्टेंट मैटर है कि ईच एंजाइम स्पेसिफिक होता है। एंजाइम कैसा होता है, स्पेसिफिक। जैसे कि हमने कहा कि वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटेलाइज्ड मोर देन वन रिएक्शन, एक कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन के लिए यूजफुल होता है, एक से ज्यादा रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट का यूज नहीं होता है, या ताकि वो स्पेसिफिक होता है। एंजाइम की जो टेम्परेचर की स्ट्रेंथ होती है वो 298 टू 310 केल्विन का टेम्परेचर उनके लिए सफिशियंट होता है। इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो वो एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए इनफ नहीं होता है। जबकि हमारे बॉडी में टेम्परेचर आता है, हमें फीवर आता है, तब हमारी एंजाइम की जो प्रोसेस होती है ना वो काफी स्लो हो जाती है। देखिए, इसीलिए अगर हमें फीवर होता है तो हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वीक हो जाती है, इसीलिए हमें बहुत ही ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं होता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस धीरी हो जाती है। उसका मेनली रीजन है कि हमारी एंजाइम है वो 298 टू 310 केल्विन टेम्परेचर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, इनकी ऑप्टिमम रेंज यही है, ऑप्टिमम रेंज ऑफ एंजाइम इज 298 टू 310 केल्विन टेम्परेचर, उससे ज्यादा टेम्परेचर वो इफेक्टेड नहीं होता है। उनकी जो पीएच होती है, पीएच ऑप्टिमम पीएच 5 to 7। अगर बॉडी बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाता है, समझ लीजिए कि लेस देन 5 पीएच अगर बॉडी की हमारा जो फ्लूड्स की पीएच हो गई तो वॉमिट हो सकती है, सुबह सुबह ऐसी खट्टी वॉमिट होना, उस ब्लॉटिंग होना, उसका सभी का रीजन जो एंजाइम की एक्टिवनेस है वो कम होनी है। तो एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच 5 to 7 है और ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज 298 टू 310 केल्विन है। ओके, देन एंजाइम के साथ अगर कोई इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन तो उनको एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम बोलते हैं, एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम। हमारे बॉडी में विटामिन्स का रोल कोएंजाइम के तौर पर जाना जाता है। जो हमारी एक्टिविटी होती है बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी का, उसको ज्यादा इंक्रीज करने का काम ये कोएंजाइम्स करते हैं। ये कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर में ऐसे मेटल आयन हो सकते हैं, सोडियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, Cu2+, etc. दिस मेटल्स व्हेन वीकली बॉन्डेड टू एंजाइम मॉलिक्यूल्स इंक्रीज देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। समझ सकते हैं, ये सभी मेटल्स और ये सभी आयन जब एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं
तो कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. सो सोडियम प्लस आयन्स आर कैटालिटिकली वेरी एक्टिव. ओके, देन इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स. सम कैटलिस्ट आर ऑल्सो पॉइजन बाय प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस. इनहिबिटर्स इंटरैक्ट विद एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑन द एंजाइम सरफेस एंड रिड्यूस कैटालिटिक एक्टिविटी. समझ लीजिए कि अगर हमारी कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गई तो उनको बोलते हैं इनहिबिटर्स. सम ड्रग्स होती है वो इनहिबिटर्स और पॉइजन्स के रूप में काम करती है. देखिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर हम हाई मेडिसिन लेते हैं और उसमें हाई पावर की ड्रग्स होती है, उससे वॉमिट हो सकता है, उससे हेडेक का प्रॉब्लम भी आ सकता है. तो कोई भी एक डिसीज की अगर हम यहाँ पर मेडिसिन लेते हैं तो अगर उससे कोई दूसरा डिसीज क्रिएट होता है तो वो हमारी एंजाइम की जो एक्टिविटी है उस पर प्रेशराइज होता है. इसीलिए उनको बोलते हैं इनहिबिटर्स और पॉइजन्स, बिकॉज दे आर डिक्रीजिंग कैटालिटिक एक्टिविटीज. इन शॉर्ट मैं आपको बोल देता हूं डिक्रीजिंग कैटालिटिक एक्टिविटी, उनको बोलते हैं इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स. ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर ये रख सकते हैं. ओके, उनका जो स्टेप्स होता है वो स्टेप इस तरीके का होता है. एंजाइम रिएक्टेंट के साथ, रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट के साथ प्रोसेस करके यहां पर वो कनेक्ट होता है और दूसरे स्टेप में इसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो जाता है और एंजाइम हमें वापस मिल जाता है. सो द एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस मे बी कंसिडर्ड इन टू स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंडिंग दिस एंजाइम विद सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट मीन्स रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के साथ एंजाइम की प्रोसेस होती है, उसके साथ यहां पर कोई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है, उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन फिर से प्रोडक्ट में हो जाता है. ठीक है, तो ये हमारे सामने एंजाइम कैटालिसिस प्रोसेस की मैकेनिज्म रख सकते हैं. उसकी मैकेनिज्म इस टाइप की होती है, E+S, ES एंड ES विल कन्वर्ट. दिस इज अनस्टेबल, सो वी आर पुटिंग स्टार सिंबल हियर एंड देन ES कन्वर्ट इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंजाइम कैटालिसिस प्रोसेस की यहाँ पर हो रही है. ओके, तो ये कैटालिसिस का जो हमारा सेक्शन है वो यहाँ पर अभी खत्म हो रहा है. मैंने आपको 2 lectures में कैटालिसिस प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन MCQ के बेस पर सभी दे दी है और अभी हमारा नेक्स्ट जो सेशन शुरू हो रहा है वो कोलोइड्स का आखिरी सेशन इस चैप्टर का शुरू होगा. कोलोइड्स किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, उनका प्योरिफिकेशन कैसे होता है, उनके यूज्ड कैसे होते हैं, वी विल एक्सप्लेन दिस कोलोइडल सॉल्यूशन फ्रॉम अवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, 3 to 4 lectures ही हो गए, तब तक ये चैप्टर्स भी खत्म हो जाएगा. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में बातें करेंगे. ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर.